बता दें कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस वर्ष धूमधाम से छठ का त्योहार मनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 1100 जगहों पर सामूहिक स्थानों पर छठ पूजा मनाई जाएगी और इसके आगे आप सरकार ने यह भी कहा कि 25 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगी छठ पूजा के नाम पर। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में छठ पूजा बेहद छोटे स्तर पर मनाई जाती है। वही 2014 से जब केवल 69 स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया करती थी, इसके लिए 2.50 करोड़ रुपए खर्च करती थी, लेकिन 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो हमने इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मानने का फैसला किया था। हम सब लोग मिलकर मनाएंगे छठ पूजा। मुख्यमंत्री ने कहा 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है। 2 साल से कोरोना की वजह से हम सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम सब लोग मिलकर पूरा देश छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। सब लोगों के स्वास्थ्य, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा 2 साल से आप लोग घरों में बंद थे कोरोना की वजह से, इसीलिए इस बार आप सब पूरे परिवार के साथ छठ पूजा मनाइए। इसके लिए हमने बेहद तैयारियां की है, सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया है, दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा सब जगह को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, पीने के पानी का पूरा प्रबंध किया जाएगा, एम्बुलेंस फर्स्ट एड और प्रबंध का पूरा पूरी तरह से प्रबंध किया जाएगा। और केजरीवाल का बयान है इस दौरान, आइए सुनते हैं। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्यौहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली, जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी, जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे, इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार